गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है औसत यानी कि एवरेज। दोस्तों आज हम मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एवरेज की बात करेंगे, जिसमें हम उसके एकदम सिंपल से क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। अगर आप भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को इस तरह के सवालों को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, ये हमके संख्याएँ दी गई हैं दोस्तों, 76, 48, 84, 66, 70 और 64, ये हमको संख्याएं दी गई हैं दोस्तों। इन संख्याओं का जो है तो हमसे औसत पूछा है दोस्तों कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है दोस्तों, कि हम इन संख्याओं को जोड़ लें और जोड़ने के बाद जितनी संख्याएं हों उतने से हम भाग दे दें तो इन संख्याओं का औसत निकल के आ जाएगा। तो हम जोड़ लेते हैं दोस्तों, 76 + 48 + 84 + 66 + 70 + 64 बराबर के कितना हो रहा है दोस्तों। इन सभी को जब हम जोड़ेंगे, इन सभी का जो जोड़ है दोस्तों वो जो है तो 408 आ रहा है दोस्तों। और संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 संख्याएं हैं। तो 6 से हम इसको भाग दे देते करेंगे तो 6 × 36 = 4 + 6 = 48 यानी कि कितना आ गया दोस्तों, 68 आ गया। यही आ गया जो है तो हमारा फाइनल आंसर दोस्तों। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित संख्याएं जो हमको दी गई हैं दोस्तों, इन संख्याओं का जो औसत निकल के आ रहा है दोस्तों वह 68 यानी कि 68 आ रहा है दोस्तों हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। तो इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। हमारी जो ट्रिक है वो इस प्रकार से है, 1/2 n + 1। ठीक है दोस्तों, ये हमारी जो है तो ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम इस तरह के सवालों को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे n बराबर कितना मान लिए हैं, 100। यहाँ n बराबर 100 माने हैं हम, तो अभी हम ट्रिक में रखते हैं 1/2 गुणे n बराबर हम 100 माने, क्योंकि यहाँ 100 है। ठीक है, तो 100 × 1/2 × n = 100 है, तो 100 और 100 + 1 हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 कोष्टक के अंदर 101 हो गया दोस्तों, 101। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 का इसमें भाग किए तो हमको 50 मिला, और 50 का 1 में गुणा होगा तो 50 ही होगा, फिर 50 का गुणा 101 में होगा। तो 101 में जब हम गुणा किए तो कितना मिल गया, 1 का गुणा किए इसमें 0 में कितना हो गया, हमको 50 ही मिला। ठीक है, ये 00 उतर गए, 0 का गुणा 0 में तो 0, 0 का गुणा 5 में तो 0, 1 का गुणा 0 में तो 0, 1 का गुणा 5 में तो 5। ठीक है, ये 0 आ गया, ये 5 आ गया, ये 0, ये 5। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 50 50 आ गया दोस्तों। यही जो है तो फाइनल आंसर है दोस्तों हमारा, अर्थात आप बता सकते हैं कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का जो औसत निकल के आ रहा है दोस्तों वो 50 50 आ रहा है, यानी कि 5050 आ रहा है दोस्तों। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रकार से है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। इसमें हमको सिंपली कुछ नहीं करना है दोस्तों, 9 अभाज्य संख्याएँ तो पहली बात तो लिखना ही पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं। तो प्रथम 9 यानी कि प्रथम 9 ये लिख गया दोस्तों, प्रथम 9। ठीक है, ये प्रथम हो गया और ये 9 संख्याओं का औसत कितना था दोस्तों, मतलब 2 हो गया अभाज्य संख्या, फिर 3 हो गया अभाज्य संख्या, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर 23 हो गया। 9 तो हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 संख्याएं हैं, 9 अभाज्य संख्याएं। अब इन संख्याओं का औसत आप पूछा है तो दोस्तों हम इनको जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने से हम भाग दे देते हैं। तो हम इनको जोड़ें तो हमको कितना मिल गया दोस्तों,
हमको जो है तो 100 मिला दोस्तों। कितना मिला? 100। 100 का हम 9 से गुणा कर भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 9 कम 9 1 बचा 9 कम 9 1 बचा 1/9 ठीक है। कितना आ गया आंसर? 11 सही 1/9 ये आ गया दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। अर्थात आप बता सकते हैं कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का जो औसत है दोस्तों वह 11 सही 1/9 आ रहा है दोस्तों। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है? इसमें विषम संख्या पूछा है दोस्तों, विषम संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों। पहले हमें जो ये संख्याएं दी गई हैं इसको हमें विषम बनाना पड़ेगा। तो हम विषम बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जो ये 100 है ना दोस्तों, इससे 100 से हम आगे 101 102 नहीं जाएंगे दोस्तों, हम 100 से एक कम आ जाएंगे। तो यह अभी जो है तो सम संख्या है तो हमारा क्या हो जाएगा? विषम बन जाएगा। इस सम संख्या में हम माइनस एक करेंगे तो विषम संख्या बन जाएगी, क्योंकि विषम संख्याओं का औसत पूछा है तो हम इससे आगे नहीं जाएंगे। हमें 1 से 100 के बीच की ही संख्याओं का जो है तो विषम संख्याओं का औसत पता करना है, इसलिए इस 100 में हम एक घटा देते हैं। तो घटा देते हैं, 100 माइनस 1 बराबर 99 हो गया। इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है दोस्तों? n प्लस 1/2। इसको हम फार्मूले पे रखते हैं। यहाँ जो है तो n बराबर कितना निकल के आया अपना? 99 आया। तो हम यहाँ रख लेते हैं फार्मूले में 99 प्लस 1/2 तो हो जाएगा 100/2। तो 2 ये कट गया तो आ गया 50। यही आ गया हमारा फाइनल आंसर दोस्तों, यानी कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का जो औसत है दोस्तों वह 50 निकल के आ रहा है। हमारा जो नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है? 3 के प्रथम 5 के गुणजों का औसत, ठीक है। तो हम जो है तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं? 5 के गुणज रख लेते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणज पहले हमें रखना पड़ेगा जब हम उसका औसत निकाल पाएंगे। तो लिख लेते हैं 3 का मतलब, इसका मतलब ये हो गया 3 के प्रथम 5 गुणज मतलब 3 का गुणा 5 बार, यानी कि 3 एकम 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 1 2 3 4 5, ये 3 के जो है तो 5 गुणज हो गए दोस्तों। अब इनका हमें औसत निकालना है तो हम सबको प्लस कर लेते हैं। ये प्लस कर लिए, प्लस करने के बाद जो है तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। तो हम 5 से क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। इनको प्लस कर लिए, प्लस करने से हमको कितना मिल रहा है? 45 मिल रहा है। और ये 5 से हम भाग कर दिए तो 5 9 45 हो गया दोस्तों। यही आ गया हमारा फाइनल आंसर। अर्थात आप बता सकते हैं 3 के प्रथम 5 गुणजों का जो औसत है दोस्तों वह 9 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जो इस प्रकार से है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इसमें हमें वर्गों का औसत पूछा है दोस्तों। तो वर्गों का औसत, तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करने की हम बहुत ही सिंपल सी ट्रिक आप लोग के सामने रखेंगे दोस्तों, जिसके माध्यम से आप इस तरह के हजारों क्वेश्चनों को एकदम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारी जो ट्रिक है वो इस प्रकार से है। n n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। इसके माध्यम से दोस्तों हम इस तरह के सवालों को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ यन बराबर हम कितना मान लेंगे दोस्तों? 10 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 10, क्योंकि 10 प्राकृतिक संख्याओं को के वर्गों का योग पूछ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे यन बराबर 10 कर लेते हैं। अब हम फार्मूले पे रख देते हैं दोस्तों। तो यन का मान कितना था? 10, हमने 10 रख दिया। फिर इधर क्या था यन का मान? 10 हमने रख दिया, ये प्लस 1 हो गया और इधर 2 हो गया। और यन का मान कितना था? 10, तो 10 कर दिए और प्लस 1 कर दिए, 6/2 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया? 10 × 10 और 1 जुड़ा तो कितना हो गया? 11 × क्योंकि यहाँ पे जब कोष्ठक हटेगा तो यहाँ पे गुणे का साइन लगेगा। फिर 10 × 2 = 20, 1 = 21 हो गया, 6/2 हो गया। तो यहाँ पे जो है तो हम भाग कर लेते हैं, 2
तीन दूना छः, तीन सते इक्कीस, ठीक है। अब दुई पंचे दस, तो हो जाएगा ग्यारह पचे पचपन गुणे सात, कितना हो गया पचपन गुणे सात, तो सात पाना पैंतीस हासिल के हाथ में आ गया तीन, सात पाना पैंतीस हाथ में आ गया तीन, सात पाना पैंतीस तीन अड़तीस, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे 38.5 आ गया दोस्तों, यही आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्तों आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें, तथा बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।